हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एक नए वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस के एग्जाम के बारे में। देखिए साथियों, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा डाउट यही है कि इसका एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि जैसा आपको पता है पहले तो दिसंबर और जनवरी दे रखा था, फिर जनवरी और फरवरी आ गया। अब जो है वो कोविड की जो ये सिचुएशन चल रही है इसके दौरान सभी अभ्यर्थियों को यही प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम आखिर होगा कब तक। देखिए साथियों, तैयारी करने वाले साथी को एक बात बोली जाए कि राजस्थान पुलिस के एग्जाम डेट से उसको क्या मतलब होता है, तो वो एक मतलब होता है, क्योंकि हर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के पास में एक टारगेट होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास में एक एक्सपेक्टेड डेट होती है ना, तो वो टारगेट के साथ में जो तैयारी की जाती है ना, उस तैयारी के अंदर अलग ही रंग होता है। तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद भी राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ। तो साथियों, आप इस वीडियो के अंदर बने रहना, मैं आप सभी को एक एक्सपेक्टेड डेट के साथ तो नहीं बता सकता, लेकिन एक एक्सपेक्टेड मंथ जरूर बताऊँगा। तो आप सभी वीडियो के अंदर लास्ट तक जरूर बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो साथियों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भले ही इसको लाइक ना करें, कमेंट ना करें, लेकिन इसके अंदर आप सभी को क्या करना है, डाउट्स जो है ना वो अपने कमेंट में जरूर कर देना। साथियों, मैं आप सभी को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट के अंदर जब भी डाउट रहते हैं ना, तब तक वो अपनी तैयारी को एक अच्छी तरीके से गति नहीं दे सकता है। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी आप पूछना चाहिए, आप जो भी पूछना चाहें वो आप इस कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अगला जो वीडियो होगा मैं उसी के ऊपर बना दूंगा, आपका नाम भी आएगा उसके अंदर और आपका कमेंट भी मैं आपको लाइव यहां पर दिखाता रहूंगा। तो आप सभी को क्या करना है, अपना जो भी डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले तो बात करें कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम आखिर होगा कब तक, तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि धोखे में मत रह जाना, क्योंकि अभी जो कोविड की सिचुएशन चल रही है ना, उसके अंदर भी राजस्थान पुलिस का आपको पता है कि पहले से भी दो बार यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड मंथ मिल चुका है, ठीक है, क्योंकि पहले तो जनवरी था और अब जो फरवरी मिल चुका है। अभी आपको क्या करना है, यानी कि आप यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखिए कि जो पुलिस विभाग है, ठीक है, जो पुलिस विभाग है ना उसकी तरफ से जो तैयारी है वो कंप्लीट कर ली गई है। तो आप इस धोखे में मत रह जाना कि अभी तो कोविड की सिचुएशन चल रही है उसको हैंडल कर रहे हैं, बाद में ये अपनी तैयारी शुरू करेंगे, उसके बाद में एग्जाम होगा। तो साथियों, अभी तक मैं आपको बताऊं कि राजस्थान पुलिस की जो विभाग है उसके द्वारा अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसे ही ये कोविड की सिचुएशन सही होगी, यानी कि कोविड के अंदर जैसे ही रिलैक्स मिलेगा, तो उसी दौरान आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, मेरा भी यही मानना है। और बाकी आप किसी के भी वीडियो देखो, मैं आपको किसी भी वीडियो के बारे में नहीं कहने वाला हूँ यहाँ पर। आप सभी को क्या करना है, अपनी जो भी तैयारी है ना वो फिलहाल आप ये मान कर चलो कि आपके पास में 30 दिन है, आप 30 दिन के हिसाब से तैयारी मान के चलिए। आपको क्या होगा, एक टारगेट भी मिला रहेगा और आपकी तैयारी को एक अलग ही गति यहाँ पर मिलेगी। तो साथियों, मैं तो जो तैयारी करता हूँ ना इसी तरीके से करता हूँ कि अपना जो एक टारगेट सेट कर लेता हूँ कि इतने दिन में मुझे इस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चलना है। एग्जाम चाहे जब भी हो, देखिए यहाँ पर डेट आपको कोई नहीं बता सकता, चाहे आप पूरे यूट्यूब के ऊपर सर्च करके देखते रहें दिन रात, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड मंथ आपको क्या मानना है। देखिए साथियों, यहाँ पर चांसेस दो ही बन रहे हैं, एक तो ये कि फरवरी लास्ट तक आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है, फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर एग्जाम होना यहाँ पर बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, लेकिन हो कुछ भी सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक एक्सपेक्टेड मंथ बताने की मैंने कह दिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फरवरी या तो लास्ट तक हो जाएगा, या फिर आप मार्च का महीना भूल जाइए कि मार्च में आपका कोई एग्जाम होगा। राजस्थान पुलिस का मार्च के अंदर एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि मार्च के अंदर आप सभी को पता है और भी एग्जाम्स हैं, बोर्ड के एग्जाम आते हैं, सारी तरह के एग्जाम जो है ना वो राजस्थान के यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आप सभी भी इतने समझदार हैं कि आपको एग्जाम मार्च में नहीं हो सकता है, या तो आपका फरवरी लास्ट तक ही एग्जाम होगा, ठीक है, फरवरी लास्ट तक आपका एग्जाम हो सकता है। उसके बाद में अगर यहाँ पर ये नहीं हुआ, कोरोना की सिचुएशन और भी ज़्यादा अगर क्रिटिकल हुई, तो यहाँ पर अप्रैल के अंदर आपका सीधा एग्जाम चला जाएगा, और अप्रैल के अंदर भी यहाँ पर आपको अप्रैल के अंदर भी देखने को मिलेगा तो लास्ट तक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर आप सभी को पता है कि न्यू ईयर जो लगा हुआ है, तो अप्रैल के अंदर क्या क्या होता है वो आप सभी को पता है, क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो मैं इसके अंदर आपके टाइम जाहिर नहीं करूंगा, आप सभी को मैं बता देता हूं कि लास्ट जो फरवरी है वो एक मान सकते हैं। अगर फरवरी के अंदर एग्जाम पॉसिबल नहीं हुआ तो आपका सीधा एग्जाम अप्रैल के अंदर होगा। तो आप सभी साथी हैं वो यहाँ पर मुझे बताना कि आप इस बात से कितने सहमत हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, मैं अगली बार आपके नाम के साथ में आपके कमेंट को मैं यहाँ पर पढ़ते हुए उसका रिप्लाई दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से रखिए, सभी अपना ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि ये जो यहाँ पर आपको जो भी न्यूज़ दे रहा हूँ वो आपको एक स्टूडेंट की तरह मैं दे रहा हूँ, ना कि आपको यहाँ पर किसी यूट्यूबर की तरह, ठीक है। यूट्यूबर मुझे नहीं बनना है, मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, आपसे सीनियर जरूर हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है अपने एग्जाम्स का, और उसी हिसाब से मैं अब की बार तैयारी कर रहा हूँ।
तो आप सभी साथी जो वो मुझसे जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।